हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल था जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका समय है जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सभ्यता को समझते हैं कि सभ्यता होता क्या है। तो सभ्यता एक ऐसा समाज जिसकी संस्कृति और जीवन जीने की शैली उच्च श्रेणी की हो तो वो सभ्यता के अंतर्गत आता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि पहले आदि मानव होते थे, वो घुमंतू होते थे, शिकार करके अपना पेट पालन करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिया, स्थायी निवास बनाने लग गए, तो इससे उनकी जीवन शैली वो आसान हो गई। तो धीरे धीरे फिर समाज बन गया और समाज से धीरे धीरे सभ्यता का विकास हो गया। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो सिंधु नदी घाटी सभ्यताएँ सिंधु और सरस्वती दोनों नदियों के बीच में विकसित हुई थी। इसका मेन एरिया यही था। और सन 1861 में कनिंगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या काम था? ये देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, सन 1904 में इसके निदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। आगे देखते हैं, सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका विकास है जो सिंधु और सरस्वती दोनों नदियों के बीच में हुआ था इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विस्तार से जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस क्षेत्र में मुख्यतः है। दोस्तों भारत में इसके 917 स्थल खोजे गए हैं और पाकिस्तान में 481 स्थल खोजे गए हैं और अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल खोजे गए हैं। भारत में संख्या में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, लेकिन मेन मेन जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में ही है। अब बात करें अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। अफगानिस्तान में सोर्तगोई और मुंडीकाक 2 स्थल हैं। बलूचिस्तान में सुतका गेंड और बालाकोट और सुतका खोह है। सिंध में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदेजी और जुद्दीर जोदड़ो है। और पंजाब में हड़प्पा, गेंद्रीवाल, रहमान डेरी, सरायकोला और जलीलपुर, ये पंजाब के स्थान है। दोस्तों बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब ये तीनों पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में खोजे गए स्थलों की बात करें हम तो सबसे पहले पंजाब में रोपड़ और सगोल है। ऐसे ही फिर हरियाणा में बनावली, मीथाथली और राखीगढ़ी है। राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास। गुजरात में लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, सूतकोटड़ा, खंबात की खाड़ी है। ऐसे महाराष्ट्र में दैमाबाद है। ये सभी भारत के खोजे गए स्थल हैं। दोस्तों मैप में बात करें तो मैप में भी ज़रूरी होता है, तो आप देख लीजिए इसमें कालीबंगा, हड़प्पा, कोटदीजी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो ये सभी आपको मैप में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। दोस्तों सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। सरस्वती नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सरस्वती नदी का उद्गम है शिवालिक की पहाड़ियों से है और इसे घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम द्रस्वती नदी भी है। ठीक है, इसे पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़, कालीबंगा, अनूपमगढ़ और सूरतगढ़ में बहती है। वर्तमान समय में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, ऐसा माना जाता है कि अब ये भूमि के अंतर्गत बहती है। डॉक्टर V.S. वाकणकर ने लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान चलाया था और वैदिक काल के लोगों के लिए ये जीवन का आधार था, क्योंकि वहाँ के वैदिक काल के जो लोग थे उनकी आर्थिक क्रियाएं इसी नदी के पानी से होती थी। तो वैदिक साहित्य के जो लोग थे इसे नदी तमे, देवी तमे, अंबे तमे कहते थे। अब हम पढ़ेंगे सिंधु स्थापत्य कला के बारे में। दोस्तों सिंधु नदी घाटी सभ्यता है ये एक विकसित नगरीय सभ्यता में आती है। क्यों आती है? इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे कि अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले नगर नियोजन, फिर है विशाल स्नानागार मिले हुए हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं, विशाल जलाशय एवं स्टेडियम, विशाल गोदीवाड़ा, इनकी कला, लिपि और विज्ञान, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये सभ्यता जो कितना विकास कर चुकी थी उस टाइम पे ही। सबसे पहले नगर नियोजन को समझते हैं। नगर नियोजन का मतलब है कि जो वहाँ पे नगर बसे हुए थे वो सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। वहाँ के जो मकान बने हुए थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते थे
और वहाँ की जल निकास प्रणाली थी वो भी काफ़ी विकसित प्रणाली थी। उसमें क्या था कि घर का जो गंदा पानी था वो एक नाली के थ्रू बाहर कर दिया जाता था, और वो नाली एक बड़ी नाली से जुड़ती थी जो थोड़ा और दूर ले जाके और बड़े नाले के थ्रू नगर का सारा गंदा पानी नगर से बाहर कर दिया जाता था। उस टाइम पे ये चीज़ें बना दी गई थी। विशाल स्नानागार मिले हैं स्नान करने के लिए, विशाल अन्नागार मिले हैं जिनमें अनाज रखा जाता था, अनाज के गोदाम मिले हैं बड़े बड़े, विशाल जलाशय एवं स्टेडियम मिले हैं। उस टाइम पे खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होती थी तो उसके लिए स्टेडियम भी मिले हुए हैं। विशाल गोदीबाड़ा मिला है, बंदरगाह कहते हैं इसको गोदीबाड़ा को, तो बंदरगाह मिले तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विदेशों के साथ भी संबंध था। ये विदेशों से भी व्यापार करते थे, और इनकी कला लिपि और विज्ञान इससे भी हमें पता चलता है कि ये कितना उस टाइम पे कितना क्या कुछ विकास कर चुके थे। दोस्तों कला लिपि और विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ के प्राप्त अवशेषों में पत्थरों की मूर्तियाँ, मणके, मृतभांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ आदि मिली हैं जो कि एक उत्कृष्ट कला का प्रमाण है। आप देख सकते हो इसमें एक कांस्य की मूर्ति है, एक मरण मूर्ति बताई गई है, एक मोहर पर लगा हुआ एक स्वास्तिक चिन्ह है और मृत भांड का चित्र दिया हुआ है। उस टाइम पे ये कला विकसित थी इस टाइम पे ये। दोस्तों अब बात करें आर्थिक उपलब्धियों की, तो इनमें सबसे पहले उन्नत कृषि कार्य है, फिर उद्योग और व्यवसाय है, फिर व्यापार और वाणिज्य है। उन्नत कृषि कार्य में हम बात करें तो उस टाइम पे कृषि कार्य काफ़ी उन्नत था क्योंकि उस टाइम पे विशाल अन्नागार मिले हुए, तो अनाज के गोदाम में अनाज तभी तो जाएगा तब कृषि का कार्य अच्छा होगा। तो उस टाइम पे गेहूँ, जौ, ज्वार, दाल, मटर आदि उस टाइम पे काफ़ी अच्छा उत्पादन होता था। कपास, खजूर, तिल, चावल इनका भी ये उत्पादन करते थे। और आगे बात करूँ उद्योग और व्यवसाय की, तो ये उस टाइम पे तांबे और कांसे से निर्मित चीज़ें बनाते थे, जैसे कि मछली पकड़ने का एक कांटा हो गया, बालाग्र हो गया, छेनी हो गई, तलवार हो गई, बर्तन आदि उस टाइम पे ये बनाते थे। एक प्रसिद्ध नर्तकी मिली हुई है कांस्य की। और मैं बात करूँ लोथल और चौहद्रो में, इनकी उस टाइम पे कारखाने लगे हुए थे जो कि सोने, चांदी, तांबा, पीली मिट्टी से सैल खड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख ये आदि उस टाइम पे बनाते थे। वो कंपनियां लगी हुई थी, वो उस टाइम पे उन कारखानों में बनता था। तो इस चीज़ से पता चलता है कि उस टाइम पे कुछ धातु उद्योग का काम काफ़ी विकसित था। व्यापार और वाणिज्य की बात करूँ मैं तो उस टाइम पे इनका आंतरिक और विदेशी दोनों ही व्यापार काफ़ी विकसित थे क्योंकि हमें बंदरगाह मिले हैं, तो बंदरगाह पे ये अपने सामान को एक्सपोर्ट भी करते थे तो इम्पोर्ट भी करते थे। तो इनका काफ़ी उस टाइम पे रहा होगा बंदरगाहों से, हम इस चीज़ का आकलन लगा सकते हैं। तो स्रोतों से ये पता चला है कि मिस्र के साथ इनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। इनके सामाजिक और धार्मिक जीवन की हम बात करें तो इनका परिवार मात्र सत्तात्मक होता था, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, और ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये वृक्ष, जल, मूर्ति आदि को पूजते थे। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल आदि से खुदाई में अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएँ मिली हुई है, और एक मोहर पर योगी मुद्रा में एक त्रिमुखी आकृति में एक व्यक्ति को नाग द्वारा पूजते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि वो शिव भगवान की पूजा करते थे उस टाइम। अब राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पे चार बड़े राज्य रहे होंगे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें कि वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड